क्या आप जानते हैं, आप नहाने के पानी से भी अपने जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को धनवान बना सकते हैं, अपनी लाइफ को लेविश बना सकते हैं, अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। प्रतिदिन नहाते हम सभी हैं, वो विरले ही होंगे जो नहीं नहाते हैं, यानी कि जिनके ग्रह खराब होते हैं, जैसे किसी का केतु खराब है, किसी का राहु खराब है, या किसी का शनि या चंद्रमा, ऐसे लोग नहाते नहीं हैं। नहाते नहीं यानी अपने ऊपर शनि का प्रभाव ओढ़े रहते हैं और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। या बड़े बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, या उनका शरीर इस तरह से अगर ज़रूरत नहीं दे रहा है, तब भी लोग नहाते नहीं हैं। यहाँ मैं बात कर रही हूँ नहाने से। दोस्तों, हमारी जीवन में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है वो है चंद्रमा। जितना आपका चंद्रमा अच्छा होता है, उतना जीवन में आपकी लग्जरी आती है, लाइफ में सब कुछ आपको मिलता है। आप जितना जी तोड़ मेहनत करते हैं, आपको लगता है केवल आपके ही करने से हो जाता है, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं सभी का भाग्य भी आपके साथ में अगर मिलता है, तब आप प्रोग्रेस जल्दी कर जाते हैं, और जब सभी के भाग्य नहीं मिल रहे होते हैं, तब आपको यहाँ पर संघर्ष करना पड़ता है। आज मैं नहाने की एक ऐसी विधि बताने जा रही हूँ जो बच्चों के लिए अलग तरह से है, जो युवा वर्ग हैं, जो कमाने वाले लोग हैं, जो अपने जीवन में करोड़पति, अरबपति और धनवान बनना चाहते हैं, उनके लिए अलग है, और बड़े बुजुर्गों के लिए अलग तरीका है नहाने का। अगर इस विधि से आप स्नान करना शुरू करेंगे, यकीन मानिए, बच्चे हैं, अगर पढ़ाई में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस आ रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ा हुआ याद नहीं होता, या उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही है, या किसी भी तरह से कोई भी समस्या है, वो उनकी समाप्त होगी। आप पैसे वाले बनना चाहते हैं, आप अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं, उसके आपके रास्ते खुल जाएंगे और आपके पास धन विभिन्न रास्तों से आएगा, क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है दोस्तों। जैसे बच्चे, पढ़ाई हर कोई कर रहा है, मेहनत हर कोई कर रहा है, और बड़े बुजुर्ग हैं, ये बीमारियों में ही घिरे रहते हैं, क्योंकि उम्र के साथ में शरीर साथ छोड़ने लगता है। तो किस विधि से स्नान किया जाए कि आपकी ये सारी ही सभी लोग हैप्पी हो जाएं, लाइफ में जो चाहते हैं वो सब कुछ आपके पास अट्रैक्ट होकर आने लगे। इसके लिए बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को ऑल पर कर लिए, और साथ में आप इसको और भी शेयर करिए, और यहाँ पर कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। और आप भी चाहते हैं, आप भी मुझे ब्लेस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। एक मिनट का प्रयोग देने हर दिन आपके समक्ष आती हूँ। एक मिनट का प्रयोग है, लेकिन दोस्तों चमत्कारिक है। आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये एक प्रयोग आप करना शुरू कर दीजिए। जीवन में चल रही कैसी भी समस्या के सरल निदान के लिए पहले आप ये दो प्रयोग, अमृत की बूंद, जादू अक्षर, एक मिनट का प्रयोग है, जिसमें दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होता है, इसलिए बेहद खास होता है। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, ना किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है। आप 10 वर्ष के बच्चे से लेकर आपकी जी मर्जी जो भी उम्र है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, हर किसी को कराइए। सबसे पहले तो उनका चंद्रमा ही अच्छा हो जाए। जैसे जैसे आपका चंद्रमा अच्छा होगा, आपके घर में सुख समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य बढ़ने लगेगा, रोग बीमारियां आपसे दूर होने लगेंगी, बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा, बच्चों का भी भाग्योदय होगा, जिससे कि उनके माता पिता का भी भाग्योदय होने लगे। सो ये एक मिनट का प्रयोग हर घर में ज़रूर होना चाहिए। आपने अब तक नहीं शुरू किया है, अब कर लीजिए। और इसके साथ में प्रतिदिन मैं कुछ वीडियोस, कुछ उपाय आपको देती रहती हूँ। आपको लगता है कि आपकी समस्याओं से मैच कर रहा है, तो प्लीज़ कंटिन्यू करिए, करते रहिए, और देखिए आप खुद अपनी समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। बात करती हूँ अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। 17 जून 2024 दिन सोमवार, आज का राहु काल है 7:07 से 8:52 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:53 से 12:50 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल, गंगा जल नहीं है तो कच्चा दूध, ये भी पॉसिबल नहीं है तो माता गंगा का ध्यान करके आज इस पानी से स्नान कीजिए, तो आज आपको पुण्य में वृद्धि होगी, क्योंकि आज गंगा दशहरा भी है। दशहरा तिथि पर जब गंगा दशहरा होता है, गंगा में स्नान करने से आपके जीवन के जितने भी पाप होते हैं वो धुल जाते हैं, और आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है।
जादुई अक्षर है। वह वरुण वलवा इस बार शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नली में ना बहाएं। आज दोस्तों बात हो रही है स्नान की। अगर आप सही विधि से स्नान कर लेते हैं तो आपके जीवन में 50% समस्याएं आपके नहाने के द्वारा ही खत्म हो जाती हैं। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं उस समय हमारे ऊपर शनि का अधिकार हो जाता है। शनि हमको निगेटिव बनाता है। काल पुरुष की कुंडली में विषाद का कारण शनि को ही बताया गया, यानी आपके जीवन में दुखों का कारक शनि है। जब ये शनि की एनर्जी आपके अंदर बनती चली जाती तो आपके जीवन में विष दोष बन जाता है। मेंटल डिप्रेशन में जाने लगते हैं, पैसा आपके पास नहीं आता, कैश फ्लो नहीं आता, जगह जगह आपका पैसा अटकने लगता है, कर्ज के दलदल में फंसने लगते हैं, रिश्ते आपसे कटने लगते हैं, आपके पत्नी आपके बच्चे आपके रिश्तेदार आपसे दूर होने लगते हैं। पैसा नहीं है इसकी जड़, इसका जड़ है हमारा शनि। इस शनि को अच्छा करने के लिए सिर्फ आप स्नान के समय आप ध्यान देते हैं कि डेली स्नान करते हैं, इससे भी आपका शनि अच्छा होने लगता है। पहले बात करूंगी बच्चों के लिए कि बच्चे स्नान करें तो क्या करें। बच्चों को आप अगर नियमित स्नान कराते हैं तो एक बॉटल में आप उनके जो बॉटल है उसमें थोड़ा सा एक फिटकरी का टुकड़ा डालकर ये पानी आप उनके बाथरूम में रख दीजिए। इसमें से उनसे कहिए एक मग्गे में, पहले तो बाल्टी में पानी भर लें, एक मग्गे में ये फिटकरी का पानी ले लें, पहले अपने मुंह में डालें, गार्गल करें, थूक दें, उसके बाद ये मग्गा भरा हुआ पानी अपने सिर से डालें, उसके बाद स्नान कर लें और शब्द बोलेंगे अपने जो बच्चों को शब्द बोलना है वो है एंग 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 एंग। इसका स्नान करते समय इस शब्द को बोलेंगे तो उनकी वाणी के जरिए माता सरस्वती उनके दिमाग पर, उनकी बुद्धि पर, उनकी वाणी पर प्रवेश करेंगी और जल के माध्यम से और तीव्र गति से उनका कार्य होगा, बुद्ध उनका अच्छा होने लगेगा। क्योंकि बच्चों के लिए बुद्ध का बलवान होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपने पढ़ाई के क्षेत्र में अब्बल आ सकते हैं। तो ये प्रयोग करें और डेली आप इनको ये कराइए। टुकड़ा आपको फिटकरी का एक बोतल में डालना है, उसमें से मात्र 2 ढक्कन पानी निकालना है आपको और एक बड़े मग्गे में ले लीजिए, थोड़ा सा कुल्ला कर लीजिए, थोड़ा सा नहाने के पानी में मिला दीजिए। देखिएगा कि आपका बच्चा बहुत तीव्र हो जाएगा, पढ़ाई में तेज हो जाएगा, उसकी बुद्धि शार्प हो जाएगी, पढ़ा लिखा तो याद होगा, उसकी वाणी में भी ओज आ जाएगा। ये स्टूडेंट के लिए है, जितने भी बड़े हों छोटे हों जो भी पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या जिन्हें पढ़ा लिखा याद नहीं होती या जिन्हें लोगों की बातें समझ में नहीं आती हैं वो ये प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है बड़े लोग भी हों, बहुत सारे लोग हमसे जब कुंडली दिखवाते कहते हैं मैम हमें समझ में नहीं आता कि सामने वाला बोल क्या रहा है, तो आप ये प्रयोग करें। धन की कामना है आपको, अगर आप चाहते हो कि आपके पास धन अपार मात्रा में आए, उस स्थिति में आप गंगा जल रख लीजिए अपने पास, एक बोतल में भरकर गंगा जल रखिए अपने नहाने के पानी में बाथरूम में। अब पहले आपको एक ढक्कन खाली बाल्टी में आपको गंगा जल डालना है, उसके बाद इसको जल से भरना है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो अब आप कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, नियमित डाल सकते हैं कच्चा दूध अपने नहाने के पानी में 1 चम्मच। और जब आप स्नान करेंगे, सिर से आपको स्नान करेंगे और आप, हो सकता है आप महिलाएं हैं, हर दिन हम सिर नहीं धोते हैं, तो कुछ छींटे अपने सिर पर इसकी दीजिए, पानी की दे लीजिए और उसके बाद आप नहा लीजिए। पुरुष तो डेली सिर धोते हैं, महिलाएँ नहीं धोती हैं, तो ये महिलाओं के लिए कि थोड़ा सा पहले जल अपने सिर पर छिड़किए उसके बाद नहा लीजिए। आपको जो मंत्र का जाप करना है वो है श्रीम 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 श्रीम। ये है श्रीम यानी श्रीमान, श्री की प्राप्ति कराने वाला मंत्र, यानी कि धन की प्राप्ति कराने वाला ऐसा दिव्य मंत्र है जिसके प्रभाव से माता माँ लक्ष्मी को खींचकर आपके जीवन में आना पड़ता है। इस मंत्र का जाप करते जाइए और नहाते जाइए, देखिएगा कुछ ही दिनों में आपके लिए धन आगमन के मार्ग खुल गए हैं। चंद्रमा आपका बलि तो हो ही रहा है, साथ में आपके पास धन विभिन्न रास्तों से आपके लिए स्रोत खुल गए हैं, जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको बरकत मिलने लगी है, सोर्सेस बढ़ गए हैं आपके। आप बड़े बुजुर्ग हैं, ये बड़े बुजुर्ग क्या होता है, बीमारियां क्योंकि शरीर साथ छोड़ने लगता है, मन उनका बच्चा बन जाता है, जिस वजह से रोग बीमारियां उनके अंदर बहुत अधिक आने लगती हैं। तो आप कुशाघास मंगा सकते हैं, नीम के पत्ते मंगा सकते हैं या फिर आप दूब घास मंगा सकते हैं। इन सभी को पानी में डालकर कुछ देर के लिए बॉईल करके एक बोतल में भर के रख दीजिए।
और नियमित इसके दो चार ढक्कन डालकर इनको पानी से नहाना है। बड़े बुजुर्गों को पहले थोड़ा सा सिर पे डालना है, अगर सिर नहीं धो रहे हैं तो सिर पे डालें और सिर धो रहे हैं तो सिर से डालें। और आपको मंत्र का जाप करना है, ओम 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 ओम। जितनी देर आप नहाने में आपको टाइम लगता है उतनी देर आप इसको जाप करते जाइए। आपका इससे सूर्य प्रबल होगा, इससे आपका शनि शांत होगा, इससे आपके जो ग्रह बृहस्पति मजबूत होगा, सो आपको अपनी रोग बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, आपका मन खुश रहने लगेगा, चीज़ें जो आप अब चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आपको मिलने लगेंगी, बच्चों से सम्मान मिलने लगेगा, आपको अपने शरीर में दर्द से आपको राहत मिलेगी, आपके अंदर स्फूर्ति चुस्ती एक जीने की एक उमंग आपके जाग जाएगी और ये आपको परम ब्रह्म परमेश्वर से मिलाएगा और आपको मुक्ति भी प्रदान करेगा। तो ये तीन शब्द जो मैंने दिए हैं चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में काम करते हैं, अजमाइएगा ज़रूर। और इसका क्या रिजल्ट मिला है मुझे इस कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, कि बहुत सारे लोगों पर अप्लाई करके देखा है दोस्तों, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है इसके और आप भी ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएंगे। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। महिला पुरुष भी जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी महीने की 17 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 8 नंबर 8 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, अंक वर्ष भर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। जीवन में चल रही किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों के लिए कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें और शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन्हें आप अपना मानते हैं, नियरेस्ट डियरेस्ट, आपके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके बच्चे। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा जरूर। दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज मत कीजिए क्योंकि वीडियो के बारे में जानकारी व्हाट्सएप पर नहीं दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे कमेंट लिखिए, आपको उसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। मैं हर शुक्रवार को अभी लाइव आती हूँ 10:00 PM, तब भी आप अपना कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। कल फिर आऊँगी कुछ नया कुछ अद्भुत लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।